भाई अगर 1 करोड़ लोग को नौकरी दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाहर राजनीति हद हो गई, जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। दस्तावेज असत्य नहीं बोलता। खौफ में आईएस तो आम आदमी की क्या बिशात, 15 वर्ष के पति पत्नी के शासन काल में 5,243 फिरौती के लिए अपहरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। कल बीते रात तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि हम तेजस्वी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। कल सुबह का इंतजार कीजिए, बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके वजह से इस तरीके का पोस्ट तेजस्वी यादव ने किया है। सुबह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने 24 वादों का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि चुनावी घोषणा पत्र है जिसमें तेजस्वी यादव ने कई दावे किए हैं। वो बताते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे, इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी, तो लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, किस तरीके से महंगाई को कम किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद बता दें आपको कि जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब जानकारी दी है, तब से लगातार एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, उनके ऐलान को लेकर। पहले सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो लगातार शुरू है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे दी है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इतना रोजगार आखिर कहाँ से आएगा देश में। काफ़ी लंबे समय तक उनका शासनकाल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें मौका मिलने जा रहा है। तो जब शासनकाल था उस क्रम में इन्होंने क्या किया है यह जनता बखूबी जानती है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले इस वीडियो में आप सुनिए। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अग्निवीर समाप्त होगा। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं यह हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था, ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि वादे करने में और सत्ता में आने के बाद निभाने में काफी अंतर होता है। पहले तो इन्होंने जो वादा किया था तो इन्होंने कह दिया कि हम अपने सरकार का वादा किए थे, गठबंधन का वादा नहीं किए थे। इसके बाद चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक दोनों उनके माता और पिता को देश की सेवा करने का मौका मिला, ऐसे में जब वो कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे। इसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया जो है वो विजय कुमार सिन्हा का है। विजय कुमार सिन्हा ने भी इस पे एक तंज कसा है। वो कहते हैं कि वाह रे राजनीति, आखिर राजनीति जो है वो कुछ भी करा सकता है। जिस तरीके से ये लोग दावा कर रहे हैं, इनका शासनकाल कौन नहीं देखा है। इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो अब तेजस्वी यादव हैं। 15 साल तक लगभग लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा, और इस बीच जो है वो अब इसके उत्तराधिकारी जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले इन्हें सुनिए। वाह रे राजनीति हद हो गई, जो अपने विभाग में
एक भी नौकरी नहीं दे पाया, दो दो बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। कितना तय करेंगे, क्या करेंगे, कहां से देंगे, ये सब जानता है बिहार की बजट और बिहार की क्षमता भी सत्ता में रहने वाले को पता है। सिर्फ भ्रम का वातावरण दिखा करके और किस तरह से राजनीति में लोक लुभावना वादा कर करके जमीनी हकीकत से हट करके सपना दिखाकर लोगों की वोट की लूट की भरमाने की वातावरण बनाना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है, यहाँ लोभ में नहीं फंसता है लोग। तो तेजस्वी के इस ऐलान पर विजय कुमार सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ राजनीति करने का एक तरीका है, इतना रोजगार आखिर कहां से लाएंगे। दस्तावेज असत्य नहीं बोलता, खौफ में आईएस तो आम आदमी की क्या बिशाक। 15 वर्ष के पति पत्नी के शासन काल में 5,243 फिरौती के लिए अपहरण, दे जवाब दे हिसाब। पति पत्नी के शासन काल के बाद जो राजनीति के उत्तराधिकारी बने हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, जवाब दीजिए, कौन उसका हिस्सेदार रहा, कौन गुनाहगार था। इसके बाद जदयू के तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है, जिसमें जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि साक्ष कभी झूठ नहीं बोलते हैं। किस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में लूट अपहरण की स्थितियां बनती थी, किस तरीके से आईएएस अफसर जो है वो दहशत में रहते थे, तो आम जनता की क्या बात करिए। तमाम प्रतिक्रिया जो है वो तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद लगातार आ रही है और बीजेपी के साथ उनके जो तमाम घटक दल हैं, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में तेजस्वी यादव का ये ऐलान कहाँ तक उनके समर्थन में रहता है, या फिर जिस तरीके से इन पे प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है, जिस तरीके से बीजेपी और तमाम घटक दल जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर नौकरी इतना कहां से लाएंगे, क्या कुछ आपकी इस पे प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।